हे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए फिट फॉर इट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। बचपन से आज तक हम इस आदत की इतनी ट्रेनिंग ले चुके हैं कि अब तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितनी सफाई से इस काम को करते हैं। ऑफिस हो या घर, रास्ते में हो या कहीं और, हम कभी न कभी इस आदत को आजमाते ही रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बहाने बनाने की, जिसकी ट्रेनिंग हमने बचपन से ली है। याद है ना, जब बचपन में स्कूल नहीं जाना होता था तो कितने बहाने बनाते थे, और अगर किसी तरह स्कूल पहुंच भी गए तो टीचर के सामने होमवर्क क्यों नहीं हुआ, इसके बहाने बनाने होते थे। और इसी उम्र से शुरू होती है बहाने बनाने की आदत, जिसको अगर सही समय पर नहीं छोड़ा जाता है तो ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। वास्तव में बहाना बनाना एक ऐसे जाल की तरह होता है, जिसको यदि सही समय पर नहीं तोड़ा गया तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ये जाल लगातार आपको जकड़ता चला जाएगा, और निश्चित है कि ये आपको असफल बना देगा। यही बहाने बनाने की आदत हमारे जीवन में सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करती है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हमारे बनाए गए बहानों में और हमारी सफलता के बीच एक विपरीत संबंध होता है। यानी कि अगर आप बहाने बनाएंगे तो सफलता हाथ नहीं लगेगी। हम जितने ज़्यादा बहाने बनाते हैं उतने ही सफलता से दूर चले जाते हैं। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हमें बहाने बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम बहाने इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें ये पता होता है कि हम असफल हो चुके हैं। अब इज्जत तो बचानी है, तो शुरू हो जाते हैं बहाने और डाल देते हैं अपनी असफलता का ठीकरा दूसरों के कंधों पर। हमें बहाना इसलिए बनाना पड़ता है कि हम अपनी कमियां छुपाते हैं। कई बार दूसरों की सहानुभूति मिल जाए इसलिए भी हम बहाने बनाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग घर में बीमार होने का बहाना बनाते हैं, ताकि घर के लोग उनके लिए सहानुभूति रखें और उनकी सेवा करें। और आप बुरा माने या ना माने, मैं और आप हम सब इसमें शामिल हैं। कुछ लोग इतने नए बहाने खोज कर लाते हैं कि लोगों को विश्वास करना ही पड़ता है। फिर भी बहुत से बहाने ऐसे कॉमन होते हैं जिन्हें लोग बनाते रहते हैं। तबीयत ठीक नहीं है, आज ऑफिस नहीं आ पाऊँगा, अब क्या करेंगे यार, मेरी उम्र इस कार्य के लिए नहीं है, मेरा तो भाग्य ही खराब है, जो भी करता हूँ बिगड़ जाता है, यार मेरा इस काम में मन नहीं लगता है, मैं नहीं कर पाऊँगा, अरे भाई इसमें तो बहुत पैसा खर्च होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। और सबसे सॉलिड वाला तो ये है, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है यार कि मैं कर पाऊँ। ये बहाने बनाने की तरकीबें कुछ समय के लिए दूसरों को तो मूर्ख बना देती हैं, लेकिन इसका जो दुष्परिणाम है वो हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। क्योंकि जब ये हमारी आदत बन जाती है तो लोग समझ जाते हैं कि हम बहाने बना रहे हैं, और आपकी नेगेटिव इमेज बनने लगती है, और आपको समझ ही नहीं आता कि लोग आपसे क्यों इतने दूर होने लगे हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो तब होती है जब ये आदत आप खुद पर भी आजमाने लगते हैं। अब आपको अच्छे से पता है कि सुबह उठना और एक्सरसाइज करना कितना महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए, लेकिन इसके लिए भी हम बहाने बनाते हैं। अगर मैं खुद की बात बताऊं तो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले एक नए घर में शिफ्ट किया है, और उस दिन से मैं ये बहाने बनाने में लगा हुआ हूँ कि यार यहाँ चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत धूल वगैरह है, और अभी यहाँ अच्छी रोड भी नहीं है, सुबह सुबह दौड़ने की अच्छी जगह भी नहीं है। और आप यकीन मानिए, मैंने यहाँ आकर अभी तक कोई रनिंग या एक्सरसाइज नहीं की है, लेकिन मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो खुद से ये संकल्प भी कर रहा हूँ कि अब ये बहाने बनाना बंद कर दूंगा, और सुबह सुबह एक्सरसाइज करने की अपनी सबसे अच्छी आदत को मैं अब नहीं छोड़ सकता, और अब कोई बहाना नहीं चलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ये बहाने बनाने की आदत को छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि सफलता हर इंसान अपने जीवन में चाहता है। और जैसा मैंने कहा है कि बहाने बनाना और सफलता पाना दोनों के बीच विपरीत संबंध है, या तो आप बहाने बना लो या सफलता को पालो, चुनाव आपका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से साझा कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।